Hello everyone, welcome back to the class of physics by Sachin Sir, the finest and the easiest way to learn the concept. So this is the channel where you can feel the physics and slowly you will realize that you are not alone in the world, you are completely in love with the subject. So exam is on the way, that's why I have decided to make a video of numerical from the chapter semiconductor and devices. So I hope ki aapko ye videos help karega. और अगर मेरे वीडियो से किसी एक भी स्टूडेंट को, आप में से अगर किसी एक भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता है तो आई विल द मोस्ट लकीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. सो लेट्स बिगिन द क्लास. बट बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास वुड लाइक टू से वन थिंग. इफ़ यू आर वॉचिंग माय वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम देन डोंट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल बिकॉज ऑन दैट प्लेलिस्ट इन द एंटायर सिलेबस ऑफ 12 साइंस आर देयर. तो जाइए, देखिए, फिल करिए और फिजिक्स को मजे के साथ पढ़िए बिकॉज ये वो चैनल है जहाँ पर आपको फिजिक्स को इमेजिन करना होगा और फिर आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको फिजिक्स से इश्क मोहब्बत करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं. बेसिकली ये जो चैप्टर है वो देखा जाए तो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसके अंदर, जिसमें हमने डायोड पे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव, ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर, फिर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बाद कैरेक्टरिस्टिक के जो पैरामीटर्स है कि इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, ट्रांसकंडक्टेंस, एवरीथिंग इज देयर already in a playlist. You can see that semiconductor devices, so all that previous portions has been already done. But numerical mein kis tarah ke question aate hain use hame tackle karna hai. To physics mein chahe ye chapter aap kar rahe hain, chahe previous ke koi bhi chapter aap kar rahe hain, to numerical ko samajhne ka sabse pehla jo basic rule hai wo ye hai ki aap pehle गिवन वैल्यू के ऊपर फोकस करो कि कौन कौन सी वैल्यू दी है. आप उसे पहले वेरीफाई करो और फिर फॉर्मूले को समझो, एनालिसिस करो कि कौन सा हम सही जगह पर अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द एनी न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स. ऑलराइट, सो ऑलरेडी आई हैव रिटन सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बोर्ड. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी कि मेरे पास दो डायोड है, दैट इज़ D1 डायोड एंड D2 डायोड कनेक्टेड विद 100 ओम एंड 100 ओम रेजिस्टेंस, एंड दिस इज़ इन अ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज़ कनेक्टेड विद द V इज इक्वल टू 2 वोल्टेज ऑफ बैटरी. एंड ऑल्सो वन थिंग इज़ देयर कि जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आते हैं ड्यूरिंग देयर फॉरवर्ड बायसिंग दे ऑफर द रेजिस्टेंस 100 ओम, एंड ड्यूरिंग द रिवर्स बायसिंग दे ऑफर्स द रेजिस्टेंस इन्फेनाइट ओम. हाउ कैन आई सी दैट, मैं ये कैसे कह सकता हूँ? वैसे तो ये न्यूमेरिकल में है बट फिर भी इसके हम बातों को समझते हैं कि क्यों फॉरवर्ड में 100 है और रिवर्स में इनफाइनाइट है. तो बड़ा आसान सा आंसर है. रिवर्स का मतलब, अगर आप इस चैनल के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि रिवर्स को मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है. रिवर्स मीन्स डीएक्टिवेशन मोड. इफ देर इज अ रिवर्स बाइसिंग ऑफ द डायोड, इट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इन इट. करंट को वो पास ही नहीं करता है. और अगर करंट को पास नहीं करता है मतलब कि वो जो डिवाइस है वो खुद एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ऑफर किया, तभी तो करंट पास नहीं किया. और अगर करंट पास नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो कितना बड़ा रेजिस्टेंस है? दैट इज सेड टू बी द इनफाइनाइट. दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द रिवर्स बायस दे विल ऑफर अ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इनफाइनाइट, बट ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस इट विल अलाउ द करंट. करंट पास होता है. अगर करंट पास होता है मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा. जीरो कभी भी नहीं हो सकता. किसी भी कंडक्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, इट कैन नॉट बी जीरो. कुछ होगा. तो फॉरवर्ड में 100 है, रिवर्स में इनफाइनाइट है. क्वेश्चन है कि अगर VA greater than VB, then the current flowing through this combination. And the second is if VB greater than VA, then find the current flowing through the circuit. See, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो बड़ा है उसे आप पॉजिटिव लीजिए, जो छोटा है उसे आप नेगेटिव लीजिए. तो इनिशियली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये वाला टर्मिनल भी पूरा हो गया पॉजिटिव एंड दिस वन इज आल्सो नेगेटिव. नाउ यू कैन सी कि ये जो प्लस है ये इसके एन को मिल रहा है. जो सिंगल लाइन है दिस इज एन टाइप एंड दिस इज वॉट पी टाइप एंड एन टाइप. तो नेगेटिव को पॉजिटिव मिला मतलब कि ये हो गया रिवर्स. सो इट विल नॉट अलाउ द करेंट टू पास थ्रू इन इट. राइट, ये पूरे रास्ते से करंट नहीं चलेगा. लेकिन वहीं पर सेम टाइम पे ये जो प्लस है वो सीधा इसको मिल रहा है और एन जो है उसको माइनस मिल रहा है. सो दिस विल बी इन फॉरवर्ड बायस. इट विल अलाउ द करंट एंड व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू दैट आई कैन यूज आई इज इक्वल टू बाबा ओम्स लॉ, दैट इज आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. व्हाट अबाउट द वोल्टेज? यू कैन सी दैट इज 2. व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस? तो करंट इसमें से भी गई और इसमें से भी गई और दोनों जो हैं एक तरह का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं. ये तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है 100 ओम का और ये फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस इसने 100 ओम का ऑफर किया है. सो इन दिस वे बोथ द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज.
दैट्स वाई वी कैन से कि भैया हमारा जो रेजिस्टेंस है ढेंटन एंड ढेंटन करते हुए कितना हो गया, दैट इज 200, सो इट इज 1/100, सो फाइनल आंसर इज वॉट गजब, यस ढेंटन एंड ढेंटन एंड ढेंटन, सो द फाइनल आंसर इज 0.01 एम्पियर. एट द सेम टाइम बच्चा पार्टी वन वी टेक वी बी ग्रेटर देन वी ए, मतलब कि ये अब पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इधर आ गया और ये नेगेटिव इधर आ गया, तो देखिए इसके पी को प्लस मिल रहा है जबकि इसके एन को प्लस मिल रहा है, तो अब ये मोदी सरकार नहीं है, अब की बार मोदी सरकार बिल्कुल भी नहीं, कहने का मतलब है कि वो रिवर्स बायस एंड दिस वन विल बी द फॉरवर्ड बायस, सो अगेन द करेंट विल पास थ्रू दैट, इसमें से पास होगा, सो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज 2 एंड द रेजिस्टेंस इज अगेन 100 + 100 = 200, सो द फाइनल आंसर इज 0.01, सही है ना भाई साहब, यस. तो ईजी है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के न्यूमेरिकल्स मैं तो बोलता हूँ आपको फ्री के मार्क्स देके जाएंगे, बस प्रिपेयर कर लो अच्छे से, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं वही वीडियो को देखने से आपको आइडिया जाएगा, थ्योरी तो सारी आपने लर्न करके रखी है, रट्टा मत मारना प्लीज, रिक्वेस्ट है, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, फील करके पढ़ा करो सब्जेक्ट को. तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल, लेट अस सी द सेकंड न्यूमेरिकल. यहाँ पे यू कैन सी वी हैव सिलिकॉन का डायोड, वी हैव जर्मेनियम का डायोड एंड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस रेजिस्टेंस ऑफ 1 kΩ विच इज ग्राउंडेड. और क्वेश्चन ये आपसे पूछते हैं कि डायोड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, इसमें से करंट में से डायोड में से कितना करंट फ्लो हो रहा है जो कि वायर के साथ अटैच्ड है. तो देखो सिलिकॉन के अंदर पहले से एक वोल्टेज होती है, दैट इज 0.7 वोल्टेज विच इज नोन एज पीबी. पीबी का मतलब होता है पोटेंशियल बैरियर. व्हाट यू मीन बाय पोटेंशियल बैरियर? पोटेंशियल बैरियर इज दैट बैरियर विच नेवर सपोर्ट्स द इलेक्ट्रॉन विच ऑलवेज अपोजेस द इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर द थियरी ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, वन वन एंड वन पी जॉइन टूगेदर देर विल बी जंक्शन, अक्रॉस द जंक्शन द इलेक्ट्रॉन विल बी न्यूट्रलाइज विद द होल्स. We will see there is a depletion layer and in after formation of depletion layer no electrons from the N will crosses the junction and they cannot enter into the holes of p-type semiconductor. So there will be a kind of obstacle which opposes the electron to go through that N to p. So that will be potential barrier. तो मैं पोटेंशियल बैरियर में आ गया, तो सिलिकॉन के अंदर ऑलरेडी एक पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्टेज की, वहीं पे जर्मेनियम की जो है दैट इज अबाउट 0.3 वोल्टेज. सो वी हैव टू फाइंड करंट, सपोज द करंट इज आई एंड दैट करंट इज आई डी, राइट. नाउ वी आर मूविंग इन दिस वे फ्रॉम प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, द करेंट इज फ्लोइंग थ्रू लाइक दिस. सो अगर हम ऐसे चले और ऐसे चलते हुए के बी एल अप्लाई कर दें, डू यू नो द मीनिंग ऑफ के बी एल? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो जब मैं यहाँ से यहाँ पे गया तो माइनस है, तो 0.7 वोल्टेज माइनस. फिर हम ऐसे चल रहे हैं, फिर से लास्ट एंडिंग माइनस है, जो लास्ट एंडिंग है वो आपको लेनी है माइनस. उसके बाद इसमें से आई डी करेंट चली है तो इसमें से भी चलेगा, लेकिन इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है दैट विल बी आई आर आई डी आर एंड एट लास्ट इज इक्वल टू जीरो. इट्स अ रूल, के वी एल का रूल होता है. सो माइनस 0.1 इज इक्वल टू आई डी इंटू आर. ओके 0.7 माइनस 0.3, राइट. द नेक्स्ट वन इज आई डी माइनस 0.1 अपॉन रेजिस्टेंस, that is 1 kΩ. So ID is equal to 1/10⁴. Point को हटा दिया, नीचे 10 लाए, किलो है तो 10⁴. So the final answer is 10⁻⁴ एम्पियर, right? So this is all about diode current. The third one is also very important. यहाँ से numericals और भी घुमा के पूछे जाते हैं. अल्फा बीटा के बीच में हमें रिलेशन लाना है. अल्फा क्या है और बीटा क्या है? बेसिकली ये ट्रांजिस्टर पैरामीटर के कैरेक्टरिस्टिक में देखा गया है कि जब भी बीटा होगा तो बीटा का मतलब है करंट गेन. करंट गेन है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी. दिस इज फॉर कॉमन एमिटर सर्किट बीटा, एंड फॉर कॉमन एमिटर कॉमन बेस अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई, दैट विल बी इन डेल्टा.
So now we have beta as well as we have alpha. We know that कि ट्रांजिस्टर के अंदर जो एमिटर की करंट है बच्चा पार्टी, दैट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट. तो अब मैं यहाँ पे डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेल्टा ई डेल्टा आई बी, क्या कर रहे हो सर, डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी. डिवाइड दिस इक्वेशन विद डेल्टा आई सी. यस यस टेंटन डेल्टा आई बी डिवाइड बाई डेल्टा आई सी प्लस वन. ओके सो नाउ दिस डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी दैट इज वन अपॉन अल्फा, और आई बी अपॉन आई सी ये देखिए दैट इज वन अपॉन बीटा प्लस वन. समझ में आता है. नाउ वन अपॉन अल्फा वन प्लस बीटा अपॉन बीटा डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और सिंपली यू कैन से अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन वन प्लस बीटा. तो ये बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन है, आता भी है बहुत बार पूछा भी गया है. अल्फा भी करंट गेन है बीटा भी करंट गेन है, बट अल्फा वो करंट गेन है जब आपका बेस कॉमन होता है, और बीटा वो करंट गेन है व्हेन एमीटर इज कॉमन, सी कॉमन एमीटर. So I hope you enjoyed these three questions from the chapter of semiconductor and devices. Take a screenshot. फिर हम आते हैं और आने के बाद में तीन और numerical को आपको चमकाते हैं. Yes, शानदार जबरदस्त टेंटेड एंड वाला numerical आ गया. Excited. NPN transistor, 10 power 10. देख तो कुछ भी समझाने से पहले ना, ये न्यूमेरिकल्स आपको सारे तभी समझ में आएंगे भाई जब थू है ना, पहले से थारे को न्यूमेरिकल करना है तो थारे को पहले थीरी पक्की करनी पड़ेगी भाई, सीधी बात कह रही हूँ. तो थारे को पहले थीरी कंप्लीट करनी है फिर न्यूमेरिकल करना है. आगे थारे को बात जो समझाए हूँ डायरेक्ट देखोगे वीडियो थारे को समझ में आएगा कौन नहीं, क्योंकि मैं तो सीधा न्यूमेरिकल कराया हूँ. हाँ ठीक है कराया हूँ राइट. तो NPN ट्रांजिस्टर 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द एमिटर इन 1 माइक्रोसेकेंड अबाउट 2% इलेक्ट्रॉन सेट्स इन द होल फाइंड अल्फा बीटा आई ई आई बी आई सी सब निकालने को बोल दिया. ऐसे क्वेश्चन का तरीका एक बार सीख लोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी आराम से कर पाओगे. और तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर जो सेक्शन है वो एक है एमिटर, दूसरा है बेस, और तीसरा सबसे बड़े साइज वाला है कलेक्टर. तो देखिए 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंट्री लेते हैं एमीटर में 1 माइक्रोसेकेंड में. तो सिंपली आप एमीटर करंट तो फाइंड कर ही सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, देन क्यू इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय टी. एन है 10 पावर 10 और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹. टाइम यू कैन सी 1 माइक्रोसेकेंड 1 माइक्रो 10⁻¹⁵. तो फाइनल आंसर है 1.6 × 10⁻¹⁹ − 9 − 9 − 9 प्लस 6 10 पावर 3 10⁻¹⁹ − 9 − 9 अरे −3. तो फाइनल आंसर है 1.6 मिली एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एमिटर करंट. गॉट इट. अब इसके बाद क्या, तो इस एमिटर करंट का 2% बेस में गया, बाकी का 98% चलेगा इसमें, क्योंकि यहाँ से चला कितना था 100%. ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है. तो दैट आई कैन राइट आई बी इज इक्वल टू 2% ऑफ आई ई, एंड आई कैन राइट आई सी इज इक्वल टू 98% ऑफ आई ई, क्योंकि एमिटर करंट तो मेन करंट है, वही करंट बेस में जाती है और वही करंट क्या होती है कलेक्टर में. तो दिस 2% विल बी 2/100 ढेंटेडन, और जो आई ई है ढेंटेडन 1.6. अब मारे को नहीं करना है, अब ये थारे को करना है. और भाइयों 98 डिवाइड बाई 100 इंटू आई ई कटे 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 अटे, तो 1.6 इंटू 10⁻³ थारे को करना है. ये सब हो जाएगा तो उसके बाद चाहिए मुझे अल्फा. तो अल्फा का फॉर्मूला आई सी अपॉन आई ई, और बीटा का फॉर्मूला आई सी अपॉन आई बी. तो डरने का नहीं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अब देखो जो 5 और 6 है ना, ये तो बहुत डराते हैं स्टूडेंट को.
बट बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। बहुत ही इजी कैसे है? तो तुमको देखना है कि इसमें दिया क्या है। वो हर बार मैं बोल रहा हूँ ये तो देखना ही है दिया क्या है, बट इसका लॉजिक एक ही है कि यू हैव टू अप्लाई KVL, किरचॉप्स वोल्टेज लॉ। सी दिस इज बेस सेक्शन, दिस इज एमीटर सेक्शन, एरो जहाँ होता है एमीटर होता है, बचा हुआ तो कलेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो सप्लाई है दैट इज 5 वोल्टेज, तो ये है बेस सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्टेज, एंड दैट 5 वोल्टेज इज कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्टेज, राइट। एंड ऑल्सो VBE एंड VCE आर द ज़ीरो, मतलब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो ज़ीरो है। मैंने ये पॉइंट कैसे बोला, तो ये बेस है, ये एमीटर है, तो ये VBE वोल्टेज हुआ, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है, तो ये VCE वोल्टेज हुआ, तो ये VCE और ये VBE। अब यहाँ से आप अप्लाई कर दो KVL। क्या करना है KVL में? तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो पॉजिटिव, चलिए प्लस फाइव, फिर हमारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम, आंसर माइनस, सो माइनस IB RB, फिर लास्ट पे आप VBE पे आ रहे हो तो माइनस VBE। अरे यार, इस चैनल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए किरचॉप्स वोल्टेज लो एकदम हलवा है, अदरवाइज फिर तकलीफ है। सो VBE ज़ीरो हो गया, तो माइनस IB RB उधर जाएगा, तो यहाँ से मैंने सब्जेक्ट बनाया IB को, 5 upon RB, यू कैन सी RB है 100 किलो ओम 10 power 3, राइट। सो इट इज़ 0.05 10 power -3, सो दैट आई कैन राइट 50 micro ampere बेस करेंट। इन अ सेम वे बच्चा पार्टी, यूज KVL फॉर दिस लाइन। We will start from that, plus 5, then minus IC into 1 kilo ohm, okay, kilo to 10 raised to 3, then minus VCE is equal to 0, right? So 5 is equal to IC into 10 power 3, then IC is equal to 5 milliampere. So this is the result of base current and कलेक्टर करंट। इन अ सेम वे अगेन वी हैव अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, बट डोंट वरी बिकॉज यहाँ पे भी हम KVL अप्लाई करेंगे और सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये सारे डिजिट्स जो हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, वो दिए हुए हैं, बेस करंट से लेके बेस रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, एवरीथिंग वी हैव। हमें चाहिए VBE और VCE। तो ये टर्मिनल क्योंकि यहाँ से कनेक्ट है, तो वी विल इनिशियली फॉलो दिस पाथ। ये मेरा जो पाथ होगा KVL का वो इस तरह का हुआ। लेट्स अप्लाई द KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लो। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, VCC 6 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 6, देन माइनस IB RB। सी ये ब्लू कलर का लाइन, वो मेरा डायरेक्शन है, और उसके साथ करंट भी चल रहा है, आप देख रहे हैं ब्लैक वाली करंट IB, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, इसलिए माइनस। उसके बाद इधर आया तो माइनस VBE इज इक्वल टू 0। We have IB, we have RB, so simple, VBE is equal to 6 minus IB RB, right? So what about IB? IB is 5, 10 power minus 6, and what about RB, that is mega, mega means 10 power 6, cancel out, final answer is 1 voltage, how easy? In the same way, we'll apply this line. We will apply KVL for this line. So we will go from that 6 voltage plus 6 for mera direction, aur iske sath yahan pe IC ka bhi direction same hai. So minus ICRL, phir niche aa gaye, minus VCE is equal to 0. Okay, so VCE is equal to 6 minus IC into RL. What about IC? 5 milli. So 6 minus 5 into 10 raised to minus 3. What about RL? 1.1. It is kilo. So cancel out. Now we can see 5 into 1.1, 5.5. And 6 minus 5.5. It is 0.5. So this is all about collector emitter voltage and
बेस एमिटर वोल्टेज। सो आई होप यू आर एन्जॉइंग द क्लास, एंड इफ यू आर एन्जॉइंग द क्लास देन डोंट फॉरगेट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। वेलकम अगेन। ओके बच्चा पार्टी, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ द न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर। ऐसा आता है सच्चाई का टेबल बताने वाला, वो है ट्रुथ टेबल। नाम ही देखो ना, ट्रुथ टेबल। तो ये करने के लिए ना आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि प्लीज़ लॉजिक गेट का वीडियो आप देख लेना। लॉजिक गेट आप वैसे आपने देखा ही होगा, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कहा भाई क्यों कर रहे हो तुम हमको परेशान, बताइए आजकल वायर भी परेशान करता है। तो लॉजिक गेट का जो वीडियोज़ है ना, इसी चैप्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के प्लेलिस्ट में है, वो ज़रूर देखो आप कि और गेट क्या है, एंड गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, फिर नैंड गेट क्या है, नॉर गेट क्या है। खैर अभी यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। इस तरह का जो डायग्राम दिख रहा है ये है, इसको हम बोलते हैं एंड गेट, सॉरी नैंड गेट है, सर्कल की वजह से पता चलता है। दिस वन इज़ नॉट नॉर गेट एंड दिस वन इज़ एंड गेट एंड दिस इज़ योर नॉट गेट। आपको ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विच पॉइंट्स आर टेकन एज इनपुट। लाइक ये ए है, ये बी है, तो नैंड गेट में होगा, यहाँ पे जो आउटपुट जाएगा वो होगा ए डॉट बी एंड देन बार, बिकॉज इट इज नैंड गेट, एंड वी विल रिप्रेजेंट द रिजल्ट विथ पी। अब ये पी देखो, यहाँ पे आया पी, और ये जो है ये आया है बी, तो ये नॉर गेट का आउटपुट हुआ। तो नॉर गेट का जो आउटपुट होगा दैट विल बी पी प्लस बी का बार, एंड आई विल रिप्रेजेंट इट विथ क्यू। किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये क्यू यहाँ पर आया और ये आ रहा है नॉट गेट, तो दिस वन इज, ये देखिए इसे ओवरलैपिंग कहते हैं, ऊपर से गया है, तो दिस इज नाउ ए बार, तो ए बार इज हियर, एंड एट लास्ट वाई इज इक्वल टू क्यू डॉट ए बार। ओके, सो आई विल राइट ए एंड बी। मेरी प्रीवियस जो वीडियोस थी वो ऑलमोस्ट एक साल पहले की है, तो वहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने दोनों इनपुट सेम ले लिया था। आज मैं क्लियर कर रहा हूँ, मौका मिला है समझ बोलने का, तो माफ़ी चाहेंगे। वहाँ पर जल्दबाजी में हो गया था, उस टाइम पे कुछ समझ में था नहीं हमें कि कैसे बताना होता है, रिप्लाई कैसे करना होता है, तो यूट्यूब का कुछ आइडिया हमें था ही नहीं। तो चलिए आज मौका मिल गया तो बोल दे रहे हैं। तो ये इनपुट को किस तरह से लेना है, तो पहले 1100 कर दो, फिर 10 और फिर 10 कर दो, इस तरह से ये डिफरेंट होना चाहिए। फिर मुझे P चाहिए, A डॉट B का बार, ये है P, राइट? मीन्स पहले मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करो और रिजल्ट जो है उसका उल्टा कर दो। 1 × 1 1, बट बार है इसलिए 0। 1 × 0 0 1, 0 1 0 एंड देन 1, दिस इज P। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ P, वट आई हैव टू फाइंड Q, एंड दैट इज P प्लस B का बार। P प्लस B को जोड़ना है, प्लस करना है, जो रिजल्ट है उसका अपोजिट कर देना है। 1 + 0 1, रिजल्ट 0, 0 + 1 1, 0, 1 + 1 1, 0, 0 + 1 1, अगेन द रिजल्ट इज 0, सो दैट इज Q। नाउ वी नीड A बार, इट इज़ वेरी इजी, इसको अपोजिट कर दीजिए, 0 0 1 1। लास्ट वी नीड Q डॉट A बार, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ phi, राइट? तो हम क्या करेंगे, Q और A बार का मल्टीप्लीकेशन, 0 × 0 0 0 0 0 एंड 0, मीन्स दिस इज योर फाइनल आउटपुट, ऑल द रिजल्ट आर 0, ऑल द आउटपुट रिजल्ट विल बी 0, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इसी का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है। आपको दो इनपुट्स दिए हैं और भी उनके वेवफॉर्म्स हैं, और आपको बताना है कि नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा। तो देखो इसमें जो पल्सेस आपको दिख रहे हैं ना, दिज आर नोन एज पल्स, डाउनवर्ड पल्स, फिर अपर पल्स, अपवर्ड पल्स। तो जो नीचे है वो सब के सब 0 है, ये 0 0 0, जो ऊपर है वो सब 1 है, ये पूरा 1 है, और ये पूरा 0 1 एंड 0। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, आउटपुट ऑफ नॉर गेट। तो जहाँ जहाँ से वेव ने अपना शेप चेंज किया है उसके ठीक सामने आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस तरह से। यहाँ पे चेंज किया मैंने, यहाँ पे एक लाइन बना दी, फिर यहाँ पे लाइन बना दी, ये लाइन बनाया, यहाँ पे चेंज हुआ,
ये इसके साथ में ही है। अब एक लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर दो ताकि हम जीरो समझ पाए, वन समझ पाए। तो देखिए, जीरो और वन ये है नॉर गेट। जीरो प्लस वन रिजल्ट वन, नॉर गेट है इसलिए वन का उल्टा जीरो। तो जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो पल्स को नीचे बताएंगे, ये जीरो हुआ, ये यहां तक जीरो। ओके, देन वन 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 प्लस वन, टू नहीं वन, बार है बट जीरो, तो जीरो होगा यहां तक, राइट। जीरो प्लस वन वन, बार है तो जीरो, अभी भी यहां तक। नाउ वन प्लस जीरो वन, बार है तो जीरो, अगेन जीरो, राइट। देन वन प्लस वन, या वन प्लस वन वन, बट अगेन आंसर इज जीरो। एंड लकीली जीरो प्लस जीरो जीरो, आंसर इज वन। तो इसे ऊपर कर दीजिए, दैट्स इट। सपोज अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये ऐसे होता तो ये इस तरह से चला जाता, ये ऐसे आता, राइट। तो इस तरह का भी क्वेश्चन ये बनता है लॉजिक गेट में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उम्मीद करूँगा कि जो मैंने सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स उठाए वो न्यूमेरिकल से आपको बहुत हद तक हेल्प हो जाएगा और आप सेमीकंडक्टर के न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर से कहता हूँ, ट्रांजिस्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाए हैं, उसे आप देख लेना और ज़रूर वो सारे टॉपिक को करके जाना, वही आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। सो इट्स ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, थोड़ी सी थकान भी लग रही है, तो अब लगता है कि विदा लेना पड़ेगा आप लोगों से। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है उसमें आपके लिए ही है। तो या मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट उससे पहले खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिजिक्स को हमेशा ऐसे ही चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ रखते हुए पढ़िए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़।